नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मस्त गार्डनिंग वीडियो देखने वालों को सबको नमस्कार। दोस्तों आप देख रहे हैं ये मेरा अमरूद का पौधा, इस पे फल मोटे होने शुरू हो गए हैं, काफ़ी मोटे मोटे अमरूद आ गए हैं और जैसे मैं इनकी देखभाल करता हूँ इसी तरह ये पौधा भी मेरी देखभाल करता है। मैं इसकी देखभाल करता हूँ, ये मेरी देखभाल करता है। इसको समय समय पे पानी देना और समय समय पे इसको खाद का पानी डालता रहता हूँ और इसका नतीजा ये है कि इसका साइज़ काफ़ी अमरूद का मोटा होता जा रहा है। दोस्तों मैं इनकी केयर कैसे करता हूँ, सबसे बड़ी बात है पौधों की केयर करना। जब तक आप अपने पौधों की ढंग से केयर नहीं करोगे दोस्तों आप अच्छे फल नहीं ले सकते और ज़्यादा फल नहीं ले सकते। दोस्तों मैं समय समय पर इसकी केयर करता रहता हूँ। ये नहीं है कि पौधा लगा दिया और उस पर आपने पानी डाल दिया और आपकी ड्यूटी ख़त्म हो गई। पौधा लगाने के बाद उसकी देखभाल करो ढंग से तो जब भी वो अच्छे फल लाते हैं और निरंतर फल आते ही रहते हैं। तो इसकी हफ्ते में एक बार इसकी गुड़ाई करता हूँ मैं। गुड़ाई करने के बाद इसको मैं खाद का पानी हफ्ते में दो बार देता हूँ और दोस्तों को जो खाद का पानी मैं देता हूँ वो यही जो पत्ते वत्ते मेरे गिर जाते हैं, टूट जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं या पुराने पेड़ पौधे जो होते हैं उनको उखाड़ देते हैं और उसकी जगह पर नए लगा देती है। तो उसके लिए एक मटका ले रखा मैंने, उस मटके के अंदर सारे पत्ते डालता रहता हूँ, साथ में पानी डाल देता हूँ और वो जो है मटके के अंदर पत्ते सड़ते रहते हैं और खाद का पानी बनता रहता है और वो पानी जो बनता है बहुत ही दोस्तों लाजवाब बनता है और उसका मेरे को तो बहुत फ़ायदा मिलता है उसको इस्तेमाल करने से। तो मेरा दिखाने का मतलब ये था कि अभी ये अमरूद मेरे पूरी तरह उतरे भी नहीं हैं और दूसरे आप देख रहे होंगे ये नए फूल आने शुरू हो गए। तो दोस्तों ये जो कमाल हो रहा है नए फूल इतनी जल्दी जल्दी आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं? एक तो मैंने इसकी डंडी ऊपर से काट दी थी जो बढ़ती थी पड़ रही थी, तो जब मैंने यहाँ से कटिंग कर दी तो दो टहनियाँ निकल आई और यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया था तो यहाँ से भी दो ब्रांचें निकल गई और ये जो ब्रांच निकली और इसके ऊपर नए फूल आ गए। तो दोस्तों कई लोग ये अपने पौधों से इतना प्यार मोहब्बत करते हैं कि उसकी कटिंग करने से डरते हैं कि अपने कटिंग कर देंगे तो हमारा पौधा ख़राब हो जाएगा, लेकिन पौधा कभी ख़राब नहीं होता, कटिंग करने से फायदा ही होता है और उसकी साइड की ब्रांचें निकलती रहती हैं और जो साइड की जब ब्रांचें निकलती है उसी के ऊपर ही तुम्हारे फल फूल बनते हैं, नए फूल निकलते रहते हैं। तो जिस तरह मतलब मैंने इसकी कटिंग करी
और अभी तो मेरे अमरूद टूटे भी नहीं थे, और उससे पहले ही मैंने इसकी ऊपर से कटिंग कर दी थी, मैंने इसको बढ़ना रोक दिया था, लेकिन साइड से नई ब्रांचें निकल आई और नए फूल आने शुरू हो गए। तो दोस्तों आप भी उसकी समय समय पे कटिंग करो, डरो मत, नई ब्रांचें निकलेगी, नए फूल आएंगे, और इस तरह आप देखभाल करोगे तो साल भर आप फल खा सकते हो। दोस्तों ये एक मैंने मटका ले रखा है, इस मटके के अंदर मैं ये डालता रहता हूँ, पत्ते पत्ते सब डालता रहता हूँ उसके अंदर, और फिर पानी डाल देता हूँ, और एक लीटर पानी निकाल के फिर उस पर पानी डाल देता हूँ, और ये सड़ता रहता है और खाद का पानी बनता रहता है, और बड़ी ज़बरदस्त खाद बनती है, बहुत ज़बरदस्त पावरफुल पानी बनता है, और हमारे पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो एक लीटर इसके अंदर से निकाल के मैं 10-15 लीटर पानी के अंदर उसको मिक्स कर लेता हूँ, और फिर मैं अपने सारे पौधों को दे देता हूँ। इससे मेरे पौधे बहुत ही अच्छे रहते हैं और बड़े खुश मिजाज रहते हैं और हरे भरे ताकतवर रहते हैं। तो दोस्तों आप ये छोटे छोटे फ्री के काम करो और ज़्यादा से ज़्यादा फल प्राप्त करो। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करता मैं, आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद दोस्तों।